जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी और एनर्जी, आप इमेजिन करो आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो क्या हमारी लाइफस्टाइल कैसे होगा? बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज लाइफस्टाइल कल्पना के बाहर है। भगवान ने जो दुनिया बनाए उसमें पानी, क्लीन एयर, फूड, ये इनेविटेबल था। ये तो ये बिना इसके बिना व्यक्ति नहीं जी सकता है। ऐसे ही थोड़ा आगे जाते जाते कपड़े, घर, ये आवश्यकता हुई। इससे आगे जाते जाते ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, ये सब बात आई। फिर कुछ दिनों में आई कंप्यूटिंग, कंप्यूटर आई, जो चीज हम लोग पहले किताबों में पढ़ते थे, गुरु से समझते थे, आजकल गूगल गुरु से ही समझ लेते हैं। कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता है, कई सारे विषयों को नया भी बता देता है, जो हमें मालूम नहीं है उनको भी बता देता है। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में इंटरनेट भी ऐसे ही एक चीज हो गया है, अभी भी हो गया है, और आने वाले दिनों में उसमें और तेजी आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया आ रही है, ड्राइवर के बिना गाड़ियों की बात आ रही है, ये सबको चलाने के लिए रोबोट चाहिए। इस सबको आगे ले जाने के लिए नई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसके लिए जो दुनिया लगेगी उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग लगेगी। इंटरनेट आ गया था, आपने कभी कभी क्लास टीचर से सुना होगा IoT, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोट्स, सेंसर, ये सब नया नया दुनिया जुड़ गया है। हमारी संबलपुर भी इससे वंचित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने वैदिक स्कूल के साथ MOU किया है, ये 21st सेंचुरी से आगे ऐसे एक इलाज बनाया जाए जिसमें हमारे बच्चों को उसमें नई आइडियाज आएगा। मैं बच्चों, मैं आपसे थोड़ा आज आपको शुभेच्छा देता हूं। मैं आज से 7-8 साल पहले पहली बार जिंदगी में 3D प्रिंटिंग देखा, तो मेरे को लगा कि कोई प्रिंटिंग मशीन होगा। अभी धीरे धीरे आपके स्कूल में भी 3D प्रिंटिंग की मशीन आ गई। क्यों आनंद जी, पहली बार आया? पहले 3D प्रिंटिंग मशीन था स्कूल में? आपको बधाई, आपकी स्कूल भी जो अमेरिका के स्कूल्स में होता था, हमारे संबलपुर में भी आ गया। मैं तो अमेरिका में MIT में देखा, तो स्कूल में नहीं। दुनिया के एक सबसे मॉडर्न और साइंटिफिक लैब है MIT, उस लैब में मैंने 3D प्रिंटिंग देखा था। और मैं आज हमारे संबलपुर में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के कारण 3D प्रिंटिंग आ गया। अभी बहुत 3D प्रिंटिंग के बारे में हम देखने से ही आधा समझ जाएंगे। रोबोट्स क्या है हम किताबों में पढ़े थे, अभी तो आपके साथ वो फुटबॉल भी खेलेगा आने वाले दिनों में। परीक्षा खत्म हो जाए, रोबोट्स भी आपके साथ गेम करेगा। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।